नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पुलवामा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद सभी देशवासी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार की ओर से विधेयक पारित भी किया जा चुका है, इसके बावजूद भी गुर्जर आंदोलनकारियों ने आंदोलन खत्म नहीं किया है। लगातार आंदोलन के बीच ये खबर आ रही थी कि राजस्थान में जगह जगह हिंसा हो रही है, लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि हमारे 44 जवान शहीद हो गए हैं, तो ये हिंसा का भावुकता में बदल गई। पुलवामा में शहीद हुए जवानों के लिए आंदोलनकारियों ने कैंडल मार्च निकाला। मलारना मकसुदनपुरा रेलवे ट्रैक पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों की गूंज सुनाई दी। आतंकियों की ओर से किए गए इस हमले में शहीद हुए जवानों के सम्मान में भी जोरदार नारे लगाए गए। आंदोलनकारियों ने कैंडल मार्च के जरिए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672। हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों के घरों में पूरी तरह से मातम पसरा है। कहीं माँ की चीख तो कहीं बेटी की सिसकी दिखाई दे रही है। इस हमले ने दर्द की कई कहानियां छोड़ दी हैं। किसी बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया है, तो किसी माँ बाप ने अपने बुढ़ापे के सहारे को खो दिया है। ऐसे में हर कोई शहीदों और उनके परिवार वालों के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में राजस्थान के 5 जवान शहीद हुए हैं। इस फिदायिन हमले में कुल 40 जवान शहीद हुए। गुरुवार को सीआरपीएफ का काफिला जम्मू से कश्मीर की ओर जा रहा था। काफिले में करीब 78 गाड़ियां शामिल थी, जिनमें 2500 से ज्यादा जवान मौजूद थे। आतंकियों ने जिस बस को टारगेट बनाया, उसमें 40 से ज्यादा जवान मौजूद थे। आतंकी ने 350 किलो विस्फोटक से लदे वाहन को बस से भिड़ा दिया, जिससे हुए ब्लास्ट में हमारे जवानों के लहू से सड़के लाल हो गई। हमारे क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दूसरा सवाल है, देश में सबसे बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, 37 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। क्या सोचते हैं आप कि अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए जल्दी से अपना सेलफोन उठाइए और सेल्फी वीडियो बनाकर आपका जवाब क्या है हमें भेजें।